ऐसा कुछ नहीं जो हैंडल नहीं कर सकते। कुछ बोलेंगे प्लीज? चेहरे के पीछे इतना सारा दुख और टेंशन छिपा के रखा है, अपने बच्चों के कारण सफर कर रही है। हे माँ, अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी रही है, तो कुछ बच्चे इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हैं कि वो अपनी माँ को ही अनाथ करते हैं। जियो या मरो, कुछ भी करो, बस हमारे पास मत आओ। अपने बच्चे को उसके पहले सांस से जानती है, तो बस यही चाहती है ना कि वो अपनी आखिरी सांस भी उसी बच्चे के पास ले। जी एक्चुअली मैं नीजा जी के बच्चों से मिल के आई हूँ जस्ट बिफोर दिस सीन, और वहाँ पर जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देती है। एंड फिर वियान आते हैं मेरे पास, नहीं आसमी की क्या हुआ, पहले मैं नहीं बताती हूँ पर वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि नो कम ऑन टॉक टू मी, बता दो मुझे, तो बस फिर बता देती हूँ उनको, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हाँ मतलब बिकॉज नीजा जी मेरी ज़िंदगी का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई हैं, शी गेव हर बोन मैरो फॉर माई चाइल्ड, उसके बाद हमारे पास रहती हैं, शी बिकम सच अ क्लोज फैमिली, बट ऑफ लेट मुझे लगने लगा है
दिस समथिंग रॉन्ग इन अ लाइफ, और जिसके लिए मैं जाती हूँ और पता करती हूँ, एंड आई फिगर आउट समथिंग जो मुझे अभी पता चला, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड. यस या आई थिंक सो. हाँ, वियान हेल्प कर रहे हैं और वो मुझे बोलते हैं कि या यू कैन टेक दिस वर्क होम, यू डोंट हैव टू सिट इन द ऑफिस बिकॉज इट्स क्वाइट लेट, आप घर जाके भी ये काम कर सकते हो. How do I comfort him? What do I do? डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये तो होना ही है इवेंचुअली कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस सॉर्ट आउट होंगे, बट आई थिंक बिकॉज वी गो ऑन दिस, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द राइटर्स, जब भी वो चाहेंगे जो कर सकते हैं वो कर देंगे. तो फिलहाल तो अभी हम लोनावला ट्रिप पे गए थे, एंड आई थिंक दैट वी डेवलप्ड अ लिटिल बॉन्ड, और उसमें हमने काफ़ी सारी बातें शेयर करी, उन्होंने भी और मैंने भी. कि आप हमारा शो देखते रहिए, डोंट मिस वन सिंगल एपिसोड ऑल्सो, बिकॉज इफ यू मिस देन यू माइट मिस दैट ट्विस्ट एंड टर्न. थैंक यू.